अस्सलाम वालेकुम। हम अभी जा रहे हैं हमारे काम के लिए। कल जो बारिश हो गई थी और लाइट गई थी, उसके लिए कस्टमर के ओर से फ़ोन आ चुके हैं और इन्वर्टर बंद हो चुके थे, तो अभी जाके हम जो जो फॉल्ट है वो निकालेंगे और आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आए हैं साइट के ऊपर, जा रहे हैं इन्वर्टर चेक करने। अभी हमने इधर का एक इन्वर्टर खोल लिया है, सुकेम कंपनी का इन्वर्टर है, काफ़ी पुराना है। इसका अंदर का सॉकेट का प्रॉब्लम था, इसके लिए वो मेंस पे नहीं जा रहा था और चार्जिंग नहीं हो रहा था, तो हमने वो उसको जॉइंट मार लिया, जो लूज़ था उसको जॉइंट मार लिया। अभी इन्वर्टर चालू हो चुका है, हम कैबिनेट लगा के उसे सही तरतीब में रख देंगे। अभी बिल्कुल यार इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा था। अब यहाँ से हम जाएंगे दूसरे काम के लिए। हम आ गए अभी साइट पे। ये जो बैटरी पावर ऑन का बैटरी है और माइक्रो ट्रैक का इन्वर्टर है, 1250 का DG मॉडल। अभी इसमें ओवर लोड का प्रॉब्लम दिखा रहा है और मैं अभी बैटरी का वोल्टेज ले रहा हूँ, बैटरी चार्ज है कि नहीं पहले वो देख रहा हूँ मैं। बैटरी तो यह हमारा पूरा दिखा रहा है 12 वोल्ट 2 पॉइंट, और इसके ऊपर काफ़ी कार्बन आ चुका है। ये कार्बन हमें हमेशा साफ़ करना चाहिए, वैसलीन लगाना चाहिए उसको या पेट्रोलियम जेली लगाना चाहिए। ये बिल्कुल अगर हमेशा साफ नहीं रहेगा तो इन्वर्टर को भी दिक्कत आती है इसके लिए, और बैकअप भी नहीं मिलता है और बैटरी भी इससे चार्ज नहीं होता है। अब ये तो मैंने निकाल लिया है, अभी इन्वर्टर को साइड को लेके मैं उसको खोल के देखूँगा क्या हुआ। अभी तो मैं पूरा साफ़ सफाई कर रहा हूँ कार्बन से, जो जितना कार्बन आ चुका है वो नट बिट उसका साफ़ कर रहा हूँ। ये भी अर्थिंग का वायर मैं खोल रहा हूँ। काफ़ी डस्ट था इधर, इतना डस्ट नहीं होना चाहिए इधर। हम तो आके सर्विसिंग करते हैं, लेकिन जिस पार्टी के वहाँ इन्वर्टर भी आए उनका भी थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि जब तक चालू है जब तक चालू है, जब बंद गिरता है फिर कॉल करते हैं ना क्या, तो थोड़ा ध्यान रखने के थोड़ा देखभाल करने से उसका लाइफ भी बढ़ता है। अभी मैंने इन्वर्टर तो साइड पर लिया है अभी नीचे, अभी मैं खोल के देख रहा हूँ इसमें क्या हुआ क्या नहीं। अभी 2 साल होने को आए इन्वर्टर के। हमने ये जो इन्वर्टर है ये 9 तारीख 6 महीना 2022 को बिठाए थे, 1 महीना इसका वारंटी है। और अभी इसका देख रहा हूँ मैं मॉसपोर्ट फूट गए रहे इसके। अभी ये कल जो बिजली वो चमकी थी इधर बारिश के लिए, उसके लिए फॉल्ट हो गए। अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं, अभी हम दूसरे जगह आए। और इधर का भी इनका कॉल आया था भाई का कि इन्वर्टर चल नहीं रहा है, तो इधर का भी इसका फ्यूज़ वाला था, तो मैंने फ्यूज़ डाल के इसे चालू कर लिया है। 10 एम्पर का फ्यूज़ था वो डाल के इसके चालू कर लिया। ये मेंस इन्वर्टर पे लग रहा था, मेंस पे नहीं जा रहा था। अभी वहाँ से हम निकल चुके हैं, अभी हम किरान दुकान में आए हैं। यहाँ भी सुकाम कंपनी का इन्वर्टर बिठाया है और ये बैटरी में देख रहे हैं हम पानी नहीं था बिल्कुल, डिस्टिलवाटर डाल रहे हैं हम इसमें, पूरी लेवल कर रहे हैं, प्लेट के लेवल तक इसमें पानी था, इसके लिए बैकअप नहीं मिल रहा था। और यहाँ के बैटरी को भी लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। अब यहाँ से हम उनके घर पे आ चुके हैं, घर पे उनके सज्जे पे इन्वर्टर बिठाया है, और स्पार्क कंपनी की बैटरी है, सुकाम कंपनी का इन्वर्टर है 900 का, और लगभग ये इधर के बैटरी को भी 4.5 साल होने को आया है, और इसमें पानी का दिक्कत था। वहाँ से हम और एक साइट पे आ चुके हैं। यह माइक्रो ट्रैक का इन्वर्टर है, ये चार्ज नहीं हो रहा, ब्लिंकिंग कर रहा लेकिन एम्पर नहीं निकल रहा, इसमें भी काफ़ी डस्ट हो चुका है, तो हम इसको रिपेयरिंग के लिए लेके जाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए। अस्सलाम वालेकुम।